नमस्कार। भारत कथा पुराणों से भरा हुआ देश है। हमारी इन कथाओं को कई तरह से व्यक्त किया जाता है, कभी दादी माँ की कहानियों से, तो कभी मंदिर में पुजारी के मुँह से, कभी नृत्य से, कभी नाटक से, और कभी कभी किताबों से। आइए आज देखते हैं कि हमारी ये धरोहर केरला में जन्मी किस नृत्य शैली द्वारा अभिव्यक्त होती है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। किसने दिमाग ही खराब करके रखा है। अरे ये क्या कर रही है माँ? अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? ये क्या तरीका है, ऐसे चीजें फेंकी जाती हैं? स्कूल से आती टीवी वेफर्स, टीवी वेफर्स। ये लंच का टाइम है ना? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। भूख लगेगी कैसे, दिन भर तो उल्टी सीधी चीजें खाती रहती हो। कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, यूनिफॉर्म चेंज करो और खाना खाओ चुपचाप। बाद में कर लूंगी ना माँ। अभी करोगी? नहीं करूंगी। अभी करोगी? नहीं। क्या हो रहा है ये? इतनी जिद्दी हो गई है ये, मेरी कोई बात नहीं सुनती है ये बिल्कुल। तुम्हारे लाल प्यार ने इसको बिगाड़ रखा है। नीलो माँ जैसा कह रही हो वैसा करो, चलो। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। माँ मुझे टीवी देखने क्यों नहीं देती? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, दिन भर टीवी देखती रहती हो। आज से तुम्हारा टीवी देखना बिल्कुल बंद, समझे? चलो। अरे क्या बात है, हमारी बिटिया से कौन नाराज हो रहा है? क्या बात है बेटा? दादी माँ देखो ना, माँ और डैडी मुझे हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। देख बेटे, स्कूल से आए हैं ना, पहले अपने यूनिफॉर्म निकालो। ये देखो तो, देखो जूते कहाँ रखे हुए आपने। इन जूतों को अपनी जगह रखो, किताबों को अपनी जगह रखो, जाके मुँह हाथ धो लो, खाना खा लो, फिर बेटा आकर के टीवी देख लेना। जाओ, मैं किसी से नहीं बात करती। देख लिया ना, ये तुम लोगों के प्यार का नतीजा है। अगर इससे अभी सख्ती नहीं बरती गई तो और बिगड़ जाएगी। अरे बेटे, बच्चे को सुधारने के लिए सख्ती बरतना जरूरी है क्या? तो फिर क्या करें? देख बेटा, बच्चे का जिद्दी होना, बदतमीज होना, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बच्चा तो जैसे माहौल में पलता है, जो उसका साथ होता है बस उसी में ढल जाता है। जो देखता है, सुनता है, बस उसी को अपने मन में रखता है और उसी तरह दूसरों के साथ बर्ताव करता है। मुझे तो बेटा लग रहा है कि अपनी नीलू की संगत ठीक नहीं है। तो करें क्या माँ? तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। बेटे तुम्हें पता है कि हमारे पड़ोस में कौन आई है? कौन? अरे कनक रेले जी, कथकली की बहुत ही मशहूर कलाकार है वो। अरे उन्हें तो पद्मश्री भी मिल चुका है। और ये जो अपना नालंदा महाविद्यालय है ना, नृत्य महाविद्यालय, उसकी फाउंडर है वो। मैं तो दो चार बार उनके यहाँ गई भी, अच्छी दोस्ती हो गई हम लोगों की। वाह बेटा, उनके घर में जाओ ना, घर को देखो, बच्चों को देखो, क्या डिसिप्लिन है, क्या अनुशासन है उनके घर में। मैं तो बेटा देख के दंग रह जाती हूँ। उनकी एक नाती है, क्या नाम उसका, हाँ वैदेही, अपनी नीलू की हम उम्र हो गई। और कनक जी तो उसको क्लासिकल डांस सिखा रही हैं। बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा है, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम नीलू की दोस्ती उससे करवा दें, उसकी संगत का असर तो अच्छा हो गई। कल वैदेही का अरंगेत्रम है, उन्होंने मुझे बुलाया है, क्यों ना मैं नीलू को अपने साथ ले चलूँ। क्यों बहू? मैं तो तंग आ चुकी हूँ, आप देख लीजिए कोशिश करके। अरे बहू, बच्चों के साथ बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। Bilasi, bilasi, dum.
अच्छा शो था ना बेटा? हाँ। मजा आया? बहुत। चलो। थक गए वैसे। दादी माँ, ये अरंगेत्रम का मतलब क्या होता है? बेटा जब कोई भी क्लासिकल डांस स्टूडेंट पहली बार परफॉर्म करता है ना, उसे अरंगेत्रम कहते हैं। दादी माँ, वेदे तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बहुत लगन और मेहनत से करती है वो। दादी माँ, मुझे भी डांस सीखना है वेदे के तरह, मैं भी मेहनत करूंगी। अरे मेरा बच्चा, सीखेगा तू? ठीक है, मैं कल ही तुझे नालंदा नृत्य महाविद्यालय ले जाऊंगी और तेरा एडमिशन कराऊंगी। हाँ। One, two. अच्छा डांस करती हो। मेरा नाम नीलू है, मैं यहाँ की नई स्टूडेंट हूँ। हाँ, दादी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। तुम कथकली के बारे में कुछ जानती हो? नहीं तो? ये देखो, मैं दिखाती हूँ। ये है पंचवेशम। इसमें सब अच्छे कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि भीमलो। अच्छा। और फिर ये कतिवेशम है, उसमें आधे अच्छे और आधे बुरे रहते हैं, जैसे कि रावण। और ये हैं चौकन्नताड़ी, उसमें सब हल्के और राक्षस जो रहते हैं ना, वो इसमें रहते हैं चौकन्नताड़ी में। अरे, तुम तो कथकली के बारे में सब कुछ जानती हो। हाँ, दादी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हारी दादी माँ मुझे सिखाएगी? ज़रूर, कल संडे है ना, तुम घर पर आ जाना, दादी माँ तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। ठीक है। कथकली की कहानी सुनने के पहले कथकली क्या है वो सुनो। कथकली केरल की नृत्य शैली है और कथा का मतलब क्या है मालूम है ना? स्टोरीज, कहानियाँ। और कली का मतलब होता है नृत्य का प्रयोग। सो नृत्य के प्रयोग में कहने जाने वाली कथा, ये इस आर्ट को या इस नृत्य को कथकली कहते हैं। इसके अंदर रामायण और महाभारत की कथाएं ज़्यादातर प्रस्तुत की जाती हैं। कथकली में तुम देखोगी कि 3, 4, 5 पात्र होते हैं। इस नृत्य शैली की जो वेशभूषा है, जिसको कॉस्ट्यूमिंग कहते हैं हम, वो अद्भुत है। बड़े बड़े स्कर्ट्स पहनते हैं और सिर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े मुकुट होते हैं जिसको किरीटम कहते हैं, और मुँह के ऊपर जो मेकअप होता है चेहरे के ऊपर, वो मेकअप को उसके पर धीरे 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 किया जाता है। कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं। अगर बहुत ही अच्छा पात्र है, उत्तम पात्र है, बहुत अच्छा राजा है, ऐसे हैं जैसे कि अर्जुन, उसको कहते हैं पच्छ।
पच्छा के पर मुके पर पूरा हरा मेकअप होता है, यहाँ गाल के पर एक चुट्टी होती है और ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा कैरेक्टर है जिसके अंदर अच्छे तो हैं लेकिन उसमें एक बहुत ही भीषण दुर्बलता है, और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कत्ती वेशम कहते हैं, एक चाकू के जैसा इसके पर गाल के पर पैटर्न करते हैं। तो ये जैसे कि रावण है और शिशुपाल है, और तीसरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो बिल्कुल अधम पात्र होते हैं, जैसे कि राक्षस और बहुत बुरे आदमी। कौन बुरे आदमी होते? दुशासन। राक्षस कौन होता है? बकासुर। वैसे ही स्त्रियां आती हैं, महिलाएं आती हैं जिसको स्त्री वेशम कहते हैं, उनको कहते हैं मिनक्कू। ये है कथकली। देखो अब तुमको एक मैं कथकली की कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम है दुशासन वधम, यानी कि दुशासन को मारना। महाभारत तो जानती हो ना तुम? तुम भी जानती हो महाभारत। क्या हुआ था जब कौरव और पांडवों ने द्यूत खेला था, तो कौरवों ने चीटिंग की थी और पांडवों का राज्य ले लिया, पांडवों का सब कुछ ले लिया, और अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को ले आओ। वो द्रौपदी को भी हार गए, तो द्रौपदी को दुशासन केशों से खींचता हुआ ले आया था दरबार में वहाँ, और वहाँ द्रौपदी को उसके कपड़े खींचने लगा था। तो द्रौपदी बेचारी डर गई, उसने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद करो। कृष्ण भगवान ने उसकी मदद की। उस समय भीमसेन ने शपथ ली थी कि मैं इस दुशासन को मार डालूंगा, और द्रौपदी ने शपथ ली थी कि जब तक मेरे बालों को इसके रक्त से, खून से संवारा नहीं जाएगा, तब तक मैं बालों का जूड़ा नहीं बनाऊंगी। वो ऐसे ही बाल खुले रख के जाती थी। उसके बाद तो उनका कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, और युद्ध में भीम ने दुशासन को मारा, उसका पेट फाड़ दिया, उसका रक्त यूं निकाला, और फिर द्रौपदी के केशों को यूं करके लगाया। दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है कल्याण सौगंधिकम। सौगंधिकम मतलब फूल। अब ये जब द्यूत खेले ना ये लोग, तो उसके बाद जब पांडव हार गए तो उनको 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया गया। तो वो जंगल में गए, अब उनको बहुत दुख होता था। द्रौपदी बहुत बड़ी राजकुमारी थी लेकिन उसको जंगल में रहना पड़ता था, उसको काम करना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, भीमसेन और द्रौपदी यूं जंगल में घूम रहे थे, तो वहाँ एक बहुत सुंदर सा फूल आया। क्या उसकी महक थी, द्रौपदी को इतना पसंद आया, उसने यूं उठा लिया और कहा भीमसेन को कि अगर ऐसे मुझे और थोड़े फूल मिल जाए तो मैं बहुत सुंदर इसका हार बनाऊंगी। तो भीमसेन ने कहा ज़रूर से मैं ले आऊँगा, तुम रुको यहाँ। और वो गया भागता हुआ, उसने हाथ में ऐसी एक गदा ली, समझे गदा मालूम है ना भीमसेन की, गदा ली और भागता हुआ गया उस जंगल में। जंगल ऐसा घना था तो जंगल को ताड़ 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 मार के तोड़ता हुआ गया। जब वो जंगल में अंदर पहुंचा तो एक बहुत ही सुंदर जगह थी, कुंज था, नी कुंज जिसको कहते हैं। अब उसमें कौन रहता था पता है तुम्हें? मालूम है कौन रहता था वहाँ? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? भीम के बड़े भाई। भीम के बड़े भाई, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं। तो हनुमान जी का क्या है, धड़ा धड़ क्या हो रहा है? उन्होंने देखा, अरे
वो ऐसा मोटा आदमी आ रहा है, कौन है ये हैं? तो बड़ा यूं देखा आहा, मेरा छोटा भाई है, ये भीमसेन है, इसकी मजाक करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो ना यूं ऐसे अटे कटे थे, वो धीरे 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 बूढ़े हो गए और गिर गए वहाँ। अभी भीम से तो धड़ाम करता हुआ आया, उसे देखा ये एक बूढ़ा ये वानर वहाँ क्या से आया, चलो निकलो यहाँ से। उसे कहा मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे से नहीं उठाया जाता, उठा के फेंक दो। भीमसेन ने कहा एक चल निकल, नहीं उठता, वो तेरी है ना, वो यूं दूम है ना दूम, उससे उठा के टंग करके फेंक दूंगा तुझे, चल उठ। तो बोला उठा के फेंक दो। तो भीमसेन ने कहा ये किया वो किया, इतनी भी दूम उसकी हली नहीं। तब भीमसेन ने वहां से एक ध्यान किया, अरे बाप रे ये कौन है, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने उसको प्रणाम किया, तब हनुमान जी खड़े हो गए, बोला उठो, तुम कहाँ यूं जा रहे थे। भीमसेन को बहुत शर्म आई, वो क्या कहे, बोला हाँ मैं समझ गया, देखो तुमको ना बहुत सुंदर महक वाले फूल लाने हैं ना, देखो वहाँ दूर दूर जाओ, वहाँ वो है ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको खोल वहाँ उसकी उस तरफ चले जाओगे ना तो वहाँ एक बहुत सुंदर तालाब है, उसी के अंदर ये फूल खिलते हैं, वो ले आओ। भीमसेन ने उनको नमस्कार किया और वहाँ से चल पड़ा। देखो अब ये कहानी। दादी माँ तुम्हें लेने आ गई, देखो आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। नहीं चलते हैं, नहीं बैठिए ना दो मिनट, चलिए। क्या कर रही थी आप? बस ये बच्चों को कथकली की कहानियाँ सुना रही थी। अपनी कोई कहानी सुनाइए ना, तब तो हम भी सुनेंगे। तो सुनिए और देखिए, तो ये जो कहानी है ना वो पूतना मोक्षम की है। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो नंद बाबा उनको, अरे वसुदेव जी उनको नंद बाबा के घर ले गए, लेकिन कंस को ये पता चल गया कि कंस ने कहा मैं क्या करूं, उससे सब अपने राक्षसों को बुलाया, उसमें एक थी पूतना राक्षसी, कहा कि यहाँ पिछले 15 दिन में जितने बच्चों ने जन्म लिया उनको सबको मार डालो। तो पूतना मौसी आई गोकुल में, उसने कहा कि ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, तो उसने बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, धीरे से दरवाज़ा खोल के वो अंदर भीतर घुस गई और फिर धीरे से बच्चे से खेलने लगी। अब उसको इतना बुरा लगा, उसकी ममता बाहर आ गई, बोले इतना सुंदर बालक उसे कैसे मैं मारूंगी। लेकिन फिर उसने कहा बाप रे वो जो दुष्ट कंस है ना वो मेरा गला ना यूं काट के मार डालेगा,
मैं जल्दी से इस बच्चे को दूध पिलाती हूँ और मार डालती हूँ। बच्चा तो था साक्षात भगवान स्वयं, तो धीरे धीरे बच्चा चूसते गया और अंत में पुतना के प्राण भी चूस लिए। आपके बारे में सुना तो बहुत था, आज देखकर तो हमारे पास तो बोल ही नहीं कि हम आपकी तारीफ कैसे करें। नहीं, उसमें क्या। और दूसरा, आपका बहुत बहुत आपको शुक्रिया, हमारी नीलू बहुत अच्छी लड़की बन रही है। चलो बेटा, अच्छा इजाजत दीजिए। जरूर से आइए दूसरी दफा। नीलू बेटे आया करो हमारे घर।